आज से जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा ज़ैल कालबों का या मंदरजा ज़ैल का मकता मालूम करें। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, फाइंड द डेट, डेट फाइंड करना है हमने इन दो मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, जिनका मैं डेट फाइंड करूँगा, मकता मालूम करूँगा। अब उसमें पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 है। देखते हैं पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास। ए इक्वल टू -1, 1, 2 एंड 0। एक बात याद रखना है कि जब भी आपने डेट फाइंड करना है, मकता फाइंड करना है, तो क्या है जो कालब है वो मरबी कालब होना चाहिए, हाँ स्केल मैट्रिक्स होना चाहिए, जिनका ऑर्डर सेम हो, जिनका ऑर्डर क्या हो सेम। अब डेट की साइन को किससे, हम डेट की साइन को किससे जाहिर करते हैं। अब ये इस मैट्रिक्स का नेम ए है, तो हम लिखेंगे डेट ए इस तरह। डेट, ये डेट की साइन है, सीधी दो लाइंस। बस बच्चे क्या करते हैं कि इसको मोड़ देते हैं, बैंक डाल देते हैं, जो कि गलत है। सीधी दो लाइंस ये डेट को जाहिर करती हैं, इक्वल टू ये डेट की साइन। अब इस डेट के अंदर मैट्रिक्स ए जो है ना, उसके एलिमेंट्स -1, 1, 2 एंड 0। डेट ए इक्वल टू, जब डेट फाइंड करना है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें से क्या होगा, -1 और 0 इनको हम ना फर्स्टली यानी कि स्टार्टिंग में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, -1 मल्टीप्लाई 0। तो जब आपने डेट फाइंड करना है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले में माइनस की साइन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1। डेट ए इक्वल टू क्या, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ जाएगा। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ हम कोई भी साइन लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग में हो तो नहीं लिखेंगे, अगर किसी वैल्यू के बाद 0 आ रहा है तो उसके साथ हम कोई भी साइन जो रूल्स के तहत आ रही है वो लिख देंगे। मसलन -1 0 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, इसके शुरू में स्टार्टिंग में माइनस की साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, -2 बंदा 2। डेट ए इक्वल टू क्या है, 0 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट है बी इक्वल टू 1, 3, 2, -2। अब इसका भी हमने मक्ता या डेट फाइंड करना है, तो डेट बी वो साइन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये डेट की साइन है, डेट की साइन 1, 3, 2, -2। डेट बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले में माइनस की साइन, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3। गेट बी इक्वल टू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस 2, 3 दा 6। गेट बी इक्वल टू, दोनों माइनस की साइंस है, ये वैल्यू आप इसमें क्या होगी ऐड हो जाएगी, -8। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 था। अब इसके अलावा 2 और पार्ट्स हैं,
इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपने वो खुद अटेम्प्ट करने हैं, खुद कोशिश करनी है उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्वेश्चन वो क्या है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को अलग अलग करना है, नादर और गैर नादर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। एक बार फिर, अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। उर्दू में इसको कहते हैं नादर कॉलम। अगर किसी मरबी कॉलम ए का मकता सिफर के बराबर हो नादर कॉलम कहलाता है। अगर किसी कॉलम मरबी कॉलम का किसी मरबी कॉलम ए का मकता, या मैंने बाय नेम कॉलम का नेम लिया ए का मकता सिफर के बराबर हो नादर कॉलम कहलाता है। ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2, 3, 4 and 6 इसका हम क्या फाइंड करेंगे डेट, इसका मकता फाइंड करेंगे। डेट ए इक्वल टू डेट की साइन 2, 3, 4, 6। ये डेट इस मैट्रिक्स का नेम ए है, आप इसका डेट फाइंड कर रहे हैं। डेट ए इक्वल टू 2, 3, 4, 6। डेट ए इक्वल टू क्या है 2 × 6। 2 × 6 ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई को जाहिर करता है। माइनस की साइन 3 × 4। 4 को 3 से या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें। डेट ए इक्वल टू 2, 6 × 12। 3, 4 × 12। डेट ए इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स था, जब हमने इसका डेट फाइंड किया है, इसका मकता फाइंड किया, तो इसका मकता किसके इक्वल आ गया 0 में। लिहाजा ये जो कॉलम है, ये जो मैट्रिक्स है, ये नादर कॉलम कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट ए इक्वल टू 0 सो इट इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में इसको क्या लिखेंगे, ए का मकता इज इक्वल टू 0 लिहाजा ये नादर कॉलम है, नादर कॉलम है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में कहते हैं गैर नादर कॉलम। नेक्स्ट डेफिनेशन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स जहां पे हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डेट मकता सिफर के इक्वल आए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, नादर कॉलम कहलाएगा। अब उसी के बरक्स अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी कॉलम का मकता सिफर के बराबर ना हो गैर नादर कॉलम कहलाता है। अगर किसी मरबी कॉलम ए का मकता सिफर के बराबर ना हो गैर नादर कॉलम कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल एग्जांपल के बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स
अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, मिसाल है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, 2 4 0 3। अब इसका डेट फाइंड करके हम चेक करते हैं क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। डेट ए इक्वल टू डेट 2 4 0 3, ये डेट की साइन है। डेट ए इक्वल टू 2 × 3 माइनस 0 × 4। डेट ए इक्वल टू 2 × 3 = 6 माइनस 4 × 0 = 0। डेट ए इक्वल टू 6 − 0 इट्स मीन 6। स्टूडेंट्स इसको देखना है, इस मैट्रिक्स ए में जब हमने डेट फाइंड किया है तो वो डेट नॉन जीरो आया है, जीरो नहीं आया, वो क्या है, नॉन जीरो। लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, गैर नादर काल। तो किस तरह लिखेंगे, डेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए का मतलब इज नॉट इक्वल टू जीरो, लिहाजा ये गैर नादर कॉलम है, गैर नादर कॉलम। स्टूडेंट्स इन दो डेफिनेशंस को आपने फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 वो खुद अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन क्या है, सेपरेट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नादर और गैर नादर कॉलम को अलग अलग करें, नादर